चले स्टार्ट करते हैं। सर का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ जी। ये जिनके हम रूम में बैठे हैं सर प्रिंसिपल हैं इधर के कॉलेज के, तो सर भी इंटरेस्टेड हैं। चले सर के हम थैंकफुल हैं सर आपके कि आपने हमें मौका दिया। तो मुझे कोई बताना पसंद करे। आप देखें सारे कुछ ना कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड रीड आउट करके आए हैं ना। इंटरेस्ट डेवेल्प हुआ है, किसी से सुन के हुआ है या किसी तरीके से हुआ है। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? जी जी बताएं। ये क्यों खुली जा रहा है बार बार? जी हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन बाय एंड वी कैन सेल एनीथिंग। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके थ्रू जो है हम अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को रन कर सकते हैं। अमेजोन दुनिया का जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए। दूसरे नंबर पे ईबे है, वॉलमार्ट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो मेरे ख्याल से दराज है, और उसके बाद लोगों के लोकल स्टोर्स हैं। वो बेसिकली शोपीफाई स्टोर नहीं है। शोपीफाई सिर्फ आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप उस पर स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, लोकल स्टोर्स हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, हम शोपीफाई पे भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस की बेसिकली जो थोड़े से फीचर्स हैं वो कम है, शोपीफाई एडवांस लेवल पे देता है। उसमें जो आपको फीचर्स अवेलेबल होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, तो लोग जो है शोपीफाई पे जाना पसंद करते हैं, और वो एक्सपेंसिव भी है। अब अमेजोन प्राइवेट लेबल की अगर बात करूं मैं, तो इसके कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं जिन फेजेस में से हमने अपने बिजनेस को जो है ना वो लेके गुजरना है। अब उन फेजेस में क्या है, सबसे पहले आती है प्रोडक्ट हंटिंग। मैं अभी सिर्फ बेसिक सा बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे जो हमारी कोर्स आउटलाइन है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आज का थोड़ा सा एक माइंडसेट जो है ना क्लियर हो जाए सबका, फिर इनके भी क्वेश्चन का आंसर करना है कि हम सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर पहले हो जाएगा ना, तो कुछ लोग उसी मेंटेलिटी से अपने आप लर्निंग जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग का फेज आएगा कि हम प्रोडक्ट किस तरह हंट करेंगे, किस प्रोडक्ट के साथ हमें जाना चाहिए और किस मार्केट में जाना चाहिए। ठीक है, वो मार्केट जो है वो आप लोग डिसाइड करेंगे, वो एक्चुअली में आपका बजट डिसाइड करेगा कि आपका बजट क्या है और आप उस बजट में किस मार्केट प्लेस में खेल सकते हैं। सही है, प्रोडक्ट हंटिंग होगी। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम अपने कोर्स में देखेंगे कि हम प्रोडक्ट हंटिंग। फिर उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टास्क दिया जाएगा सबको वीकेंड पे के ऊपर। जो भी हम पढ़ेंगे 5 दिन में, आपने उन 5 दिन के टास्क को उन 2 दिनों में जो है कवर करना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं होगा इस चीज में। तो जितना आप सिंसियर होंगे अपनी लर्निंग के साथ उतना आपको फायदा होगा सर, हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो अगला फेज आएगा वो आएगा प्रोडक्ट सोर्सिंग का, कि हम प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करवा सकते हैं। अगर तो कोई खुद मैन्युफैक्चरर है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उसे मैन्युफैक्चरर ढूंढने पड़ेंगे। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम चाइना से ढूंढते हैं, और इस टाइम चाइनीज लोगों के दिमाग जो है वो आसमान को है, वो इस टाइम इंसान को इंसान ही समझ रहे, खासतौर पर पाकिस्तानियों को। अभी 2 माह पहले मुझे ब्लैकमेल करके मैंने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया, तो उन्होंने मेरी इन्वेंट्री रिलीज की है वहां से। यहाँ तक ये लोग, ये कौम जो है इस हद तक आई हुई है। तो सोर्सिंग आएगी, सोर्सिंग की डिफरेंट टेक्निक्स आएंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगी जो सोर्सिंग फ्रेंडली। सोर्सिंग फ्रेंडली से मेरा मतलब है कि जिनके ऊपर सोर्सिंग करनी आसान है, हमें अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और जिस तरह मुझे किसी ने ब्लैकमेल करके 3 लाख एक्स्ट्रा लिया, इस तरह के सिनेरियो को पे ऑलरेडी हमने टैकल कैसे करना है उनके साथ डील क्रैक करने से पहले, ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। अलीबाबा के ऊपर ट्रेड एश्योरेंस का फॉर्म है, वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की तरह होता है, तो वो हम पहले ऑलरेडी फिल करेंगे। उसमें रिक्वायरमेंट्स इच्ची बिच्ची जो होगी हमने उधर नोट डाउन करनी है, फिर उसको पैसे देने। वो फिर अलीबाबा जो है वो हमारा जमानती और उसका जमानती एक किस्म का बन जाएगा ना। कल को कोई भी इशू होगा हम अलीबाबा को क्लेम करेंगे, वो फिर इशू को, वो उस केस को सॉर्ट आउट करने में अलीबाबा हमारी जो है वो हेल्प करेगा। सोर्सिंग के बाद जो तीसरा काम आएगा, तीसरा फेज आएगा, ये मेजर फेजेस हैं, इसके अंदर डीप डाउन चीजें काफी एक्सपैंड होती जाएंगी। तीसरी हमारी चीज आ जाएगी लिस्टिंग क्रिएशन। लिस्टिंग क्रिएशन में अब हमने देखना है कि हम इमेजेस कैसे डिजाइन करेंगे। इमेजेस का बड़ा अमल दखल है सर आपकी सेल में, ऑनलाइन में। ऑनलाइन देखें, फिजिकली तो आप खड़े हैं, आप दुकान पे खड़े हैं, अपनी चीज बेच रहे हैं, आपके हाथ में वो प्रोडक्ट है, जो आप उसके बारे में बोलेंगे कस्टमर सुन के कन्विंस हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में आप उसे कुछ नहीं कह सकते। आपको पता ही नहीं, आप रात को सो रहे हैं और वो आके कोई खरीदने बैठ गया। अमेजोन की दुनिया में तो यही चल रहा है ना, हमें तो रात को काम करना पड़ता है, हम उनसे नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते बायर से। अमेजोन की दुनिया में अमेजोन बायर को खुदा मानता है,
अमेजोन बायर को खुदा मानता है। कस्टमर आएगा, वो बाय करेगा, वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद चीज यूज करके भी रिटर्न कर देगा, अमेजोन ने उसको कुछ नहीं कहना, उसने आप लोगों को डाउन कर देना, आपकी रैंकिंग डाउन करेगा, किसी ना किसी वे में वो आपके अकाउंट को इफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा उसका। सही है, तो इमेजेस हमारी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सिर्फ इस चीज में कि हमने कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है कि वो हमारी ये प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम के लिए जो है, प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन हमने उस प्रोडक्ट की सूरत में दिया ना, तो हमने सिर्फ उसको इस चीज पे कन्विंस करना है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, तुम जिस प्रॉब्लम को सर्च आउट करते हो इधर आए, उसका सोल्यूशन है। उसके बाद इमेजेस डिजाइन है, 7 इमेजेस आप डिजाइन कर सकते हो, अमेजोन के जो थंबनेल आते हैं स्टार्टिंग में वो 7 इमेजेस अलाउ करते हैं, साथ में एक वीडियो, अगर आप वीडियो अपलोड करोगे अपनी प्रोडक्ट की तो वो फिर 6 इमेजेस होंगी और साथ में थंबनेल पे आपकी वीडियो होगी। नेक्स्ट हमारा आएगा टाइटल, टाइटल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर आएगा बुलेट पॉइंट्स, वो बुलेट पॉइंट्स 5 5 बुलेट पॉइंट्स 200 करेक्टर ईच। सही है, एक बुलेट पॉइंट के 200 करेक्टर्स जो है वो आपने मैक्सिमम करने, करने को आप 1000 भी कर लो, लेकिन कुछ अमेजोन की भी गाइडलाइंस है ना, वो आपको सजेशन देता है, और रिसर्च ने ये किया है, 2019 की रिसर्च थी अमेजोन की यूएस में, कि जिन लोगों ने अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो करके लिस्टिंग क्रिएट की है, उनकी सेल्स में और दूसरे सेलर्स की सेल में 27% का डिफरेंस, जो अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं उनका 27% सेल में इजाफा है बाकियों की नस्बत। बुलेट्स आएंगे, बुलेट्स के बाद हम ईबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 2 तरीके से आप शो करवा सकते हैं। सही है, एक तो सिंपल आपने प्लेन टेक्स्ट लिख दिया, बुलेट्स डाल दिए या उसमें बोल्ड कर दिया, हेडिंग्स बना दी, जैसे भी आपके फिजिबल है। एक दूसरा अमेजोन ऑप्शन देता है ईबीसी का, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, आपने अपना ब्रांड का कंटेंट इनहेंस करके उन्हें शो करना, उसमें वो आपको अलाउ करेगा कि आप ग्राफिकली भी अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, आप कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ईबीसी या ए प्लस कॉन्टेंट, एक ही चीज के दो नाम है, ईबीसी या ए प्लस कॉन्टेंट। तो ईबीसी और ए प्लस कंटेंट किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। काम ये ग्राफिक डिजाइनर का है, आप लोगों का काम नहीं होगा, आपका काम सिर्फ ये होगा कि आप ग्राफिक डिजाइनर को गाइड कर सकोगे कि भैया हमें इस तरह की इमेज चाहिए, ये नहीं ना होगा वो कुछ भी उठा के दे दे आप लगा दें और आप सोचेंगे सेल्स क्यों नहीं आ रही, सेल्स क्यों नहीं आ रही। सही है, ईबीसी हो गया, बुलेट्स हो गए, टाइटल हो गया, इमेजेस होगी, आपकी लिस्टिंग होगी क्रिएट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना लिस्टिंग का, वो है कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च। जिस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट क्रिएट करनी है उसकी कीवर्ड रिसर्च लाजमी होनी चाहिए, और वो कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से होनी चाहिए, कोई भी कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए। सही है, उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, अदरवाइज उसका फायदा कोई नहीं होगा। सही है, मसलन अब आपकी किचन की कैटेगरी है, आपकी प्रोडक्ट किचन की है, मैं अपनी एक क्लाइंट की प्रोडक्ट का नाम ले देता हूँ, वैसे हम प्रोडक्ट डिस्क्लोज नहीं करते होते, स्टीमर है, ठीक है, वुडन स्टीमर है, प्योर बैम्बू से बना हुआ स्टीमर है। सही है, वो बैम्बू स्टीमर आता है किचन की कैटेगरी में, ठीक है, उसकी सब कैटेगरी आती है कुकवेयर, कुकवेयर ही है ना, खाना स्टीम करते हैं हम उसमें, तो उसकी सब कैटेगरी आती है कुकवेयर में। अब मुझे उस कुकवेयर की कैटेगरी में जाके कीवर्ड रिसर्च करनी है, ताकि मैं इररिलेवेंट कैटेगरी में अपनी लिस्टिंग को शो ना कर सकूं, वो तो डिस्कवरेबल ना हो, क्योंकि वो तो डिस्कवरेबल होगी, सिर्फ डिस्कवरेबल होगी, क्लिक्स लेगी, आपको सेल नहीं देगी, आप लोग पागल हो जाओगे यार इतनी ट्रैफिक आ रही है, कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही। सही है, तो ये हमारी लिस्टिंग है, ये हमारा चौथा, हाँ तीसरा पार्ट था लिस्टिंग क्रिएशन का। अब लिस्टिंग क्रिएशन के बाद हमारा आएगा जो चौथा फेज है, बिल्कुल 5-10 मिनट का काम है वो, प्रैक्टिकली भी उसको हम कहते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएशन। सही है यार, ये नहीं चल रहा ना फैसल, ये नहीं चल रहा, चल रहा है? अच्छा, फिफ्थ हमारा था शिपमेंट प्लान क्रिएशन। अमेजोन हमें क्या देता है कि शिपमेंट प्लान हमने क्रिएट करने होते हैं, उसमें वो हमें आइटम लेबल्स देता है, मसलन आप छोटी सी प्रोडक्ट की बात करता हूँ मैं, एक्वाफिना की 500 ml की बोतल देखिए, उसमें एक बार कोड लगा होता है। सही है, इसी तरह अमेजोन ने आपको आइटम लेबल्स देने हैं, जब आपने शिपमेंट प्लान क्रिएशन में जाना है, अमेजोन ने आपको आइटम लेबल्स देने हैं, ठीक है। वो आइटम लेबल्स में क्या होगा, आपकी हर यूनिट के ऊपर इंडिविजुअली आपने वो लेबल पेस्ट करना है, वही बार कोड होंगे, जैसे
जैसे हम अक्सर कोई भी प्रोडक्ट उठा लें भाई जनरल स्टोर से, उसके ऊपर बारकोड लगा होगा कोई ना कोई, वो आइटम लेबल्स हमें मिलेंगे, हमने वो आइटम लेबल्स अपनी प्रोडक्ट पे पेस्ट करवाने। अब सेकंड वो हमें देगा मास्टर कर्टन्स लेबल, सही है। उस मास्टर कर्टन लेबल में क्या होगा, अब जाहिर बात है अगर मेरे पास 1000 यूनिट है, अब 1000 के 1000 यूनिट किसी एक बड़े मास्टर कर्टन में आएंगे ना, कर्टन बॉक्स में, तो वो फिर मास्टर, अब एक कर्टन में लेट्स सपोज मेरे 12 पीसेज आए हैं, तो अब उन 12 पीसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए अमेजोन एक मास्टर कर्टन लेबल भी मुझे देगा, सही है। इसको हम, इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएशन, ठीक है। इसको बनाने में या ये लेबल्स देने में कुछ इन्फॉर्मेशन अमेजोन हमसे रिक्वायर करेगा जो हमें उसको देनी है। उसमें क्या होगा, वो हमसे पूछेगा कि सोर्सिंग एड्रेस क्या है, कहाँ से आ रही है आपकी प्रोडक्ट और किधर जाएगी। अमूमन लोग अमेजोन को वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं ना, तो अमेजोन किस वेयर हाउस में देगा आपको नहीं पता, वो जब आप ये चीजें फिल आउट करेंगे वो तब उसके जो है जाएंगे, हम देखेंगे इसको करके। उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन देनी है, आइटम्स की डायमेंशन देनी है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने, पर बॉक्स में कितने यूनिट्स हैं, कितने पीसेस हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये सिर्फ आपके दिमाग की गेम, स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों के बिजनेस माइंडसेट है तो अमेजोन कुछ भी नहीं है। बाकी जो अमेजोन अकाउंट चलाना है वो आप में से सारे लोग फेसबुक बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं, हेलो फेसबुक चलाना ही, सही है। इधर क्लिक कर दिया, उधर क्लिक कर दिया, उधर क्लिक कर दिया, और कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है दे रहा है बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। रॉकेट साइंस है तो लिस्टिंग क्रिएशन में, क्योंकि आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। उधर 3600 बंदा और बैठा है बेचने वाला सेम प्रोडक्ट, बड़े बड़े पुराने सेलर बैठे हैं। जितनी पुरानी आपकी लिस्टिंग होगी अमेजोन आपको उतना प्लस पॉइंट देता है। अब जब पुरानी लिस्टिंग है, हम न्यू गए हैं, हमें क्या, कैसे हमें रैंकिंग मिलेगी, तो उसके लिए फिर हम कुछ स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, वो फिर हम जब टाइम आएगा साथ साथ हम उसको स्टडी करेंगे कैसे। तो ये एक बेसिक अमेजोन की थी। जब शिपमेंट प्लान क्रिएट हो गया, अब क्वेश्चन ये है, इन्वेंट्री तो हमारे पास ही नहीं है, इन्वेंट्री तो पड़ी है चाइना में, तो हम उसके ऊपर लेबल्स कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आप अपने मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी बात पहले करोगे, डील टाइम पे, कि भाई इतने दिन बाद मैं तुम्हें लेबल्स दूंगा, तुमने वो भी पेस्ट करने। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आपने पहले बात नहीं की, इन्होंने कहना ठीक है इतने पैसे दे दो हम लगा देते हैं, तो हमने तो अपने पैसे बचाने हैं सर। पैसा प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग आर द क्रूशियल पार्ट फॉर योर प्रॉफिट एंड फॉर योर सक्सेस। जितनी सोर्सिंग स्ट्रोंग होगी सर, उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, उतना मार्केट में लोगों को जो है ना हरा सकोगे। आजकल प्रोडक्ट में प्राइस वार बहुत आ गई है, जिसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती वो प्राइस ड्रॉप कर देता है। खैर ये हम वक्त के साथ देखेंगे। शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ, लास्ट में हमारे पास जो काम आएगा वो आएगा लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। हमने अपनी प्रोडक्ट को लाइव करना है तो लॉन्च हो जाएगी, सही है। फिर उसके ऊपर रैंकिंग के ऊपर काम करना है। रैंकिंग से क्या मतलब है, आप सिंपल कोई मार्केट की मिसाल लें, आप में से कोई भी मार्केट जाता है कुछ भी लेने, तो सबसे पहले वो किस शॉप पे जाएगा जो सबसे आगे, ऐसे ही है। फिर वो दूसरी पे जाएगा, तीसरी पे जाएगा, एक लिमिट तक जाएगा, मिड तक चले जाएगा, लास्ट पे नहीं जाएगा। सर जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अपनी अमेजोन के ऊपर, तो आपकी प्रोडक्ट किसी पेज पे नजर नहीं आ रही होगी, 6 या 7 पेज पे होगी जहां पे कस्टमर जाएगा ही नहीं। कस्टमर मैक्सिमम जाएगा पहले पेज के मिड तक या पहले पेज के अंत तक, इसके बाद नहीं जाएगा। हमारा क्या एम होता है रैंकिंग से, हमारा एम ये होता है कि हमने अपनी उस लिस्टिंग को उठा के फर्स्ट पेज की फर्स्ट रो में ले लिया। जब वो फर्स्ट रो में आएगी ना आपका बिजनेस नहीं कामयाब होगा, आई लेकिन फिर उसको सस्टेन भी करना। आई ये नहीं आपने कह देना कि हम फर्स्ट रो में आ गए हैं, कल हमारे हाथ खड़े हैं, अब हम बहुत सेले पड़नी है। सर आप डाउन भी हो जाएंगे अगर आपकी सेलें कम हुई। रैंकिंग सेल्स, भाई तो जा रहे हैं सही है। ऑनलाइन बिजनेस जो है ना आ वो जाएंगे तीन पिलर पे चलता है सर, ट्रैफिक, कन्वर्जन, रिव्यूज। रिव्यूज क्या है जी, सोशल प्रूफ भी उसे कहते हैं, सही है। अगर आपके पास रिव्यूज नहीं है सर तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकनी, आपको रिव्यूज चाहिए। ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज, ये तीनों चीजें लूप में है, सिर्फ ये सीक्वेंस में नहीं है, ये लूप में है। आपके पास ट्रैफिक होगी, आगे आपके पास कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन होगी तो रिव्यूज आएंगे, रिव्यूज आएंगे तो उन रिव्यूज की वजह से आपकी नई ट्रैफिक आएगी, तो ये इस तरह लूप चल रही है, सही है। तो ये तीन पिलर्स आपके माइंड में होने चाहिए किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के सुबह लिए, वो अमेजोन है, वो ईबे है, वो वॉलमार्ट है, या वो दराज है, या कोई भी आपका लोकल स्टोर है। सर मैं तो आप सबसे एक बात कहूंगा कि अपने माइंड से ये निकाल दें कि आपने अमेजोन सीखना है, आप यहाँ पे ई कॉमर्स सीखने आए हैं। हमने अमेजोन इंडिपेंडेंट नहीं होना, फोन आया ये माता हमने ई कॉमर्स इंडिपेंडेंट होना।
कल को मैं कोई कहे कि भाई ईबे कॉलेज करना है, हम कहेंगे ईबे कर लेते हैं भाई, आधा तो घंटा सही दो है दिन लग भाई। जाएंगे। क्या सीखना पड़ेगा, सिर्फ ईबे के उस प्लेटफॉर्म को और यूज करना सीखना पड़ेगा ना। स्ट्रेटजीज तो वही है जो हम अमेजोन पे लगा देंगे या उस पर लगा देंगे। कर अब लॉन्चिंग रैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो, जिसको मैं भी पसंद करता हूँ, जिसके ऊपर मैं हेलो जिस वे में आज तक चलता आया हूँ, वो है पीपीसी। ठीक है, हेलो पीपीसी का एक मॉड्यूल है एडवर्टीजमेंट का अमेजोन का। जी टूल्स का जी, सारा कुछ होगा। नहीं, वो प्रोडक्ट हंटिंग में सर आएगा ना। मैं बाबर तो इकबाल आपको को तो म्यूट अमेजोन के कर दें। फेजेस जो है मेन वो बता रहा हूँ कि आपका बिजनेस कहाँ से गुजर रहा है। वो तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, हम टूल्स देखेंगे कि जी जी मैं उधर ही आने लगा हूँ। वो बाइक का क्वेश्चन मेरे जेन में था। वो अब अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है कि आप अपनी लॉन्च कर सकते हैं, तो आप अपनी लॉन्च ही करें, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। अगर नहीं है, जिस तरह सर सनी ने हमें सिखाया था कि किचन इनकम की लूप से पहले बाहर आ जाओ, जिंदगी की उन्होंने चार स्टेजेस बताई थी, किसी ने उनको सुना है? खैर, उन्होंने जिंदगी की चार स्टेजेस बताई थी कि इंसान किचन लूप में फंसा होता है। उसको बस यही होता है कि यार घर का खर्चा किस तरह निकल जाए, घर का खाना किसी तरह पूरा हो जाए, बिजली के बिल दिए जाए। वो किचन लूप में पूरे घर का खर्चा मैं काउंट कर रहा हूँ, तो वो किचन लूप में फंसा। जो इंसान किचन लूप में फंसा है ना, वो कभी भी जिंदगी में दौलत नहीं बना सकता। और 100% राइट बात है। मैं सर साकिब की भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने हर एक से सीखा है। मैंने ये नहीं कहा कि आप सर सनी का और सर साकिब का वो इनेबलर्स बने हैं सर साकिब के, इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। नहीं, मैं मुल्तान खान की सीख के आया 5 दफा साहब से। अभी तक मेरी जो ट्रेनिंग है, मैं कहीं मुश्किल में आता हूँ तो मैं उन्हीं से डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोगों ने, किसी ने सर्च कीजिएगा रिजवान जफर साहब को यूट्यूब पे, लाजमी आप देखेंगे और आप कहेंगे ये बंदा है सर, इतने इतने लंबे उनके बाल हैं, पान खा खा के उनके दांत खराब हुए, लेकिन उनके पास नॉलेज है कहीं अमेजोन का। मैं कहता हूँ छोड़ बातें, पर बड़ा अच्छा नॉलेज है। तो जो चीजें सर सनी से अच्छी सी लगी हैं वो अडोप्ट की हैं, जो सर साकिब से अच्छी लगी हैं अडोप्ट की हैं, जो इधर जहाँ से मिल रहा है हम बस पकड़ी जा रहे हैं, जहाँ से हमें फायदा मिले। जी, सर हाँ जारी बात है। सेल्स रैंकिंग के फैक्टर्स क्या हैं, रैंकिंग के फैक्टर्स क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन है ना मेन, के हम रैंक कैसे करेंगे। हाँ जी, वो सर जब हम रैंकिंग पे आएंगे वो हम आपको बताएंगे सारे फैक्टर्स। बेसिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है सर वो सेल्स। हाँ जी, और सेल्स ज्यादा के लिए वो लूप चलेगी तो सेल आएगी सर, ट्रैफिक होगी तो सेल आएगी, सेल होगी तो रिव्यू आएंगे, रिव्यू होंगे तो आपके पास नई ट्रैफिक आएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं। स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग, मैं फंसा हुआ एक अकाउंट में जो फेलियर है, फेलियर है, कभी बताने से नहीं चीज का। मैं तीन अकाउंट चल रहे हैं, एक मेरा बहुत स्ट्रगलिंग में चल रहा है, पर लगे हुए किसी ना किसी तरह, फर्स्ट पेज के एंड तक आ गए। अब आगे हमारी कुछ दिन के 5-6 ऑर्डर हमें स्टेबल हुए, वरना हफ्ते में कोई ऑर्डर नहीं, दो हफ्ते में कोई ऑर्डर नहीं, दो इस तरह भी निकले, एक दिन में 19 ऑर्डर भी आ गए। जी सर, लॉस है, लॉस। आप सोचें, आप कुवैत में ट्रांसपोर्ट का माशाल्लाह काम करके हैं कि दुबई में, दुबई में आप सोचें कि अगर आपको यानी कि क्लाइंटेज नहीं आ रहा आपके पास, सर अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट अपना काम कर रहे हैं, आपकी अपनी जाती प्रोडक्ट है, आपने किसी को एज ए वीए हायर नहीं किया, तो फिर वो आपका लॉस है, आपका लॉस। चलो ठीक है, आपका लॉस किस सेंस में है, मार्केटिंग में? ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे, सोशल मीडिया से, ऐसे ही है ना। देखिए पहले लूप का पहला पार्ट क्या था, ट्रैफिक। ट्रैफिक लाने के प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए सर जब आप फर्स्ट टाइम पे रैंक नहीं होंगे, रैंकिंग के लिए आपको सेल चाहिए, सेल के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक के लिए आपको सोशल मीडिया चाहिए, क्योंकि अमेजोन की जो अपनी ट्रैफिक है, जो अमेजोन का कस्टमर है जो खरीदता ही हर चीज अमेजोन से है, वो तो पहले पेज पे आएगा, मैक्सिमम दूसरे पे चले जाएगा। सर आप सातवें पे बैठे हैं, आप उसको सातवें पे नहीं खींच सकते, सातवें पे आपको नहीं खींचना तो आप क्या करोगे, आप आउटसाइड द अमेजोन जो है ट्रैफिक लेके आओगे, वो आप गूगल एड्स चलाओ, वो आप फेसबुक एड्स चलाओ, टिकटॉक एड्स चलाओ, पिंटरेस्ट से लाओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमेजोन पीपीसी जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। मेरा एक ही रूल है कि भाई पहले एक चीज पकड़ो, उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर नेक्स्ट जाना है, ये नहीं है कि ये भी कर लिया उधर भी टांग फसा ली। नहीं सर, अमेजोन पीपीसी पकड़ी, जब अमेजोन पीपीसी ने हमें सेल देनी शुरू कर दी, पे पर क्लिक सर, पीपीसी
पीपीसी पे पी पर क्लिक, यानी कि अमेजोन ने आपको विद इन अमेजोन एडवर्टीजमेंट का जो है वो फीचर दिया है, और उसके लिए वो चार्ज क्या करता है, पर क्लिक के ऊपर चार्ज करता है। सही है, समझ लगी? पे पर क्लिक। उससे क्या होगा, आप अमेजोन को पैसे दोगे कि यार मेरी लिस्टिंग इस प्रोडक्ट को, ये लो पैसे, मुझे जितना मैक्सिमम फ्रंट पे दिखा सकते हो दिखाओ। तो ये पीपीसी एक साइंस है, पीपीसी एक रॉकेट साइंस है। मैंने आपको कहा अमेजोन रॉकेट साइंस नहीं, पर पीपीसी एक रॉकेट साइंस है, क्योंकि इसमें आपकी स्पेंडिंग बहुत हो जाती है, स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं होती। स्पेंडिंग कंट्रोल करनी है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जिसे हम पढ़ेंगे टर्म ए कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल ए कॉस्ट, इसको कंट्रोल करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी 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 वो जी मैम, वो डिपेंड करेगा कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की जो मार्केट कंपटीशन है, मार्केट एनालिसिस क्या। सही, तो अभी मैं बात कर रहा था हमसे डिफरेंट जो है ना चैनल से हम लेके आएंगे, तो फिर भी अगर हमें सेल नहीं पड़ी होगी तो जो वो जो मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है वो हमारा लॉस हो गया। सही है, लास्ट क्वेश्चन का मैं आपका आंसर कर दूं, फिर हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं और कल ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अगर सर्विसेज देने से मेरा मतलब ये, आपने सारी अमेजोन की सीख ली, वर्चुअल असिस्टेंट आप बन गए, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की दूसरों को सर्विस दे रहे हो कि भाई आपके अमेजोन स्टोर को मैं हैंडल करता हूँ, आपके लिए प्रोडक्ट मैं ढूंढूंगा, आपके लिए सोर्सिंग मैं करूंगा, लिस्टिंग मैं करूंगा, शिपमेंट प्लान मैं क्रिएट करूंगा, लॉन्चिंग रैंकिंग मैं करूंगा, और लॉन्चिंग रैंकिंग के बाद भी उसको सस्टेन और आपके पूरे अकाउंट की मैनेजमेंट। सर सिर्फ लॉन्चिंग रैंकिंग तक अमेजोन का काम नहीं है, फिर उस अकाउंट को भी तो मैनेज करना है ना। अगर बायर ने आपको कोई मैसेज किया है, कंप्लेन आई है, सर आप 72 घंटे में उसको रिप्लाई नहीं करते, अमेजोन आपके लेवल को डाउन कर देता है। अमेजोन मैंने आपको बताया वो कस्टमर को खुदा मानता है, कुछ भी हो जाएगा। सही है, तो वर्चुअल असिस्टेंट बन के आप सर्विस देंगे जहां से मैंने स्टार्ट किया। अपना लॉन्च करने का बजट किसी के पास नहीं स्टार्ट में, ऑब्वियसली बात है मेरे पास भी नहीं था, मैं स्टूडेंट था तब, तब से मैंने सीखा, उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। ठीक है, फ्रीलांसिंग में मैंने सर्विसेज दी, और वहां से जो मुझे मिला, जो मैंने जमा किया अपने एक्सपेंस सारे निकाल के, उसके बाद मैंने लॉन्च किया। हाँ जी, बस ये, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। मैंने आपको भी पहले बताया हम प्रोडक्ट डिस्क्लोज नहीं करते सर, उसकी वजह ये कंपटीशन। नहीं नहीं बाय नहीं करता कोई भी सर, बाय करना उन्होंने है, पाकिस्तान में आप बाय नहीं कर सकते अमेजोन। मसला ये आता है कि हम लोग जब प्रोडक्ट कल पढ़ेंगे ना, कल हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। चाहिए इंट्रोडक्शन, अमेजोन के कुछ मॉडल्स हैं जो हम कल देखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। उस प्रोडक्ट हंटिंग में एक क्राइटेरिया होता है कि हमने इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट, हम मुंह उठा के नहीं करेंगे कि ये पर्स पड़ा इसको बेचने लग गया, नहीं सर, हमने पूरी स्टडी करनी है, पूरे एनालिसिस करनी है, पैसा आने वाला नहीं रोड़ना आपका, ठीक है ना, तो पूरी स्टडी करनी है, पूरे एनालिसिस देखने हैं। अब इतनी मेहनत करके हमने एक प्रोडक्ट ढूंढी, हमने उसको सक्सेसफुल भी कर दिया, उसमें कंपटीशन कम था हमने इसलिए उठा ली, मैं कल को सबको बताता फिर हूँ, 3-4 लोग चोरी चोरी मेरे कंपेटिटर आके बैठ जाए, समझ रहे हो? क्लाइंट आपके साथ सबसे पहले एनडीए साइन करेगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप मेरा डाटा डिस्क्लोज नहीं करोगे, वरना वो आपको लीगली सू कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात आप लोग अभी से माइंड में उठा लें कि जिस भी प्रोडक्ट पे काम करेंगे, जिस भी क्लाइंट के लिए, वो सिर्फ उसको पता है और आपको पता है बस। सर मैं आपको सारी टेक्निक सिखाऊंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर मैंने जो टेक्निक्स आपको देनी है ना, वो किसी भी मार्केट के लिए, ठीक है, हमने टूल्स क्यों यूज करने हैं? हाँ, यूएई में टूल्स नहीं चलते, यूएई में भी टूल्स नहीं काम करते, क्योंकि वो भी उस हिसाब से ट्रेन नहीं हुए, लेकिन उसका भी हमको जुगाड़ ढूंढा हुआ है, सीखा हुआ है। मैं ढूंढा तो नहीं, मैं कह सकता कि मैंने ढूंढा है, मैंने अपने ऊपर वालों से सीखा जो मेरे सीनियर थे, हम वो शेयर करेंगे लाजमी। बाकी आपको जहां पे हट जाइए सर, जो मेरी थाली में है मैं आपको दूंगा। सही है, हाँ जी, काइंडली कल, जरा कल से आप लोग टाइम की जो है ना पाबंदी करें, 4 बजे आए, ताकि हम 4:40 या 4:45 तक जो है वाइंड अप कर सके। ठीक है, नहीं वो सर मैंने आपको कहा ही नहीं, मैं पीछे देख रहा था।